नमस्कार बच्चों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तिथि है बच्चों हमारी 19 अक्टूबर 2020। कार्यपत्रक वर्कशीट 46। विषय है हमारा बेटा गणित। कक्षा हमारी 10वीं और आज का विषय है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न। बेटा आपको पहले सबसे पहले ये दो क्वेश्चन याद कीजिए और बताइए इसके दो क्वेश्चन आपने करने हैं। जो पहले क्वेश्चन है 19 में से ही करने हैं आपने, जो पहले आपने किए हैं उन्हीं का एक तरफ से डिवीजन है ये, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप ये देखिए बेटा, इसमें कुछ दिया हुआ पहले उदाहरण एक से पहले आप इसमें जो दिया गया इसमें देखिए। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है और सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन इनके आंतरिक कोण समकोण नहीं होते। अगर सारे समकोण हो जाएं तो वो वर्ग बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो उदाहरण एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी जिसमें ए बी बराबर ए सी है, उसमें आप बने अंतर्वृत्त भुजाओं बी सी सी ए और ए बी को क्रमशः डी ई और एफ पर स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि बी डी बराबर डी सी। हम जानते हैं कि वृत्त का बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है, इसलिए ए एफ बराबर ए ई, बी एफ बराबर बी डी और सी डी बराबर सी। तो ये पहली समीकरण हो गई। दिया है ए बी बराबर ए सी, तो ए एफ प्लस एफ बी बराबर हो जाएगा ए ई जमा ई सी। तो एफ बी बराबर किसकी के हो जाएगा हमारा ई सी, क्योंकि ए एफ ए ई के बराबर है। तो बी डी बराबर सी डी फर्स्ट के प्रयोग से ही बी एफ बराबर बी डी है और सी डी बराबर सी ई है। अब है उदाहरण दो। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की परिधि बना समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। तो हल दिया है वृत्त के परिधि बना एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। उत्पत्ति डी आर बराबर डी एस एक। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बने स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ए पी बराबर ए एस, ये सेकेंड हो गया। बी पी बराबर बी क्यू, ये थर्ड हो गया। सी आर बराबर सी क्यू, ये फोर्थ हो गया। 1 2 3 4 इनको जोड़ने पर डी आर जमा सी आर जमा ए पी प्लस बी पी बराबर डी एस जमा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो सी डी प्लस ए बी बराबर ए डी प्लस बी सी, तो 2AB बराबर 2AD हो जाएगा, ठीक है बेटा। और समांतर चतुर्भुज के समूह भुजाएं समान होती हैं। ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। ए बी बराबर ए डी हो जाएगा और ए बी बराबर ए डी, बी सी बराबर सी डी, क्योंकि चारों भुजाएं समान है, अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। तीसरा उदाहरण आकृति में तीन में आकृति में त्रिभुज एबीसी में बना अंतर्वृत्त भुजाओं ए बी बी सी और ए सी के क्रमशः डी ई और एफ पर स्पर्श करता है। यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर है तो ए डी बी और सी एफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर है, ए डी 1 सेंटीमीटर है। तो बी डी बराबर ए बी माइनस ए डी बराबर 12 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो ए डी बराबर एफ, एफ बिंदु ए की स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, स्पर्श रेखा है बराबर होती है ए की बिंदु से खींची गई, ठीक है वृत्त पर। तो ए प्रमेय दो है हमारी, ए एफ बराबर एक्स सेंटीमीटर ले लिया, सी एफ बराबर ए सी माइनस ए एफ बराबर 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर और सी ई बराबर सी एफ बराबर सी बराबर 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो बी डी बराबर बी, क्यों, बिंदु बी से स्पर्श रेखा खींची गई है और पहले ही प्रमेय दो के कारण बी डी बराबर बी है। बी बराबर 12 माइनस एक्स सेंटीमीटर, बी सी बराबर बी सी जमा बी, 8 बराबर 10 माइनस एक्स जमा 12 माइनस एक्स, 8 बराबर 22 माइनस 2x बराबर 2x बराबर 14, x बराबर 7 सेंटीमीटर। ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 माइनस एक्स 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, सी एफ बराबर 10 माइनस एक्स 10 माइनस 7 बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो बेटा उसके बाद ये सब करने के बाद बेटा मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि आपने ये सारी जितनी भी चीज़ें ये लिखी हुई है, जो भी आपने लिखा देखा है इस वर्कशीट में लिखा हुआ, जो ये आकृतियाँ बनी है ये सब आपने लिखनी है, बनानी है
और आपने प्रकार का प्रयोग करना है और पेंसिल का प्रयोग करना है, स्केल का प्रयोग करना है, तब आपने ये आकृतियाँ बनानी है। और उसके बाद जाके आपने सम प्रयास कीजिए कि प्रश्न उत्तर करने चाहिए करने हैं, प्रश्न एक प्रश्न दो, ठीक है बच्चों। और ये आकृति भी बनानी है। कोविड के संबंध में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश, तो बेटा ये संदेश भी लिखना आपने।